आज का इस लेक्चर जो है वो आपका हिस्ट्री की जीस्टिंग है, जिसमें आपको हिस्ट्री की सारी डिटेल्स दी जाएंगी। बट बिफोर वी बिगिन, आपके लिए प्राप्ति आयस लाया एक ऑफर जिसे बोलते हैं प्राप्ति आयस श्योर शॉट। ये बेटा 60 बच्चों के लिए होता है जो पूरे NM में चलता है। देखिए, इसमें एक सिंपल सी चीज़ हम करते हैं, जब आप आज की डेट में IAS PCS की प्रिपरेशन करते हैं या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे, क्या करेंगे। तो प्राप्ति आईएएस ने इसकी एक श्योरिटी दे रखी है कि आपके प्री और मेंस की हम रिटर्न श्योरिटी लेंगे, कि अगर आपका प्री और मेंस नहीं निकलता तो आपकी 100% फीस रिफंड कर देंगे। इसमें एक आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके थ्रू आपको इसकी डिटेल दी जाएंगी और उसके थ्रू आप इस काम को करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू होता है, कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ इसको आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले लें या हमें मेल कर दें। मेल करने के लिए आप PraptiIAS@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, हमें डिटेल्स मिल जाएंगी और हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। दूसरी चीज़, ये श्योर शॉट इसलिए अच्छा ऑफर है क्योंकि आज तक किसी ने भी स्टैम्प पेपर पर आपको रिटर्न एश्योरेंस नहीं दिया। सिलेक्शन रेशियोज बेहतर हैं कोचिंग के, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मच मोर डिटेल्स आपको लेनी है तो आप स्टाफ को कॉल करिए, वो आपको सारी डिटेल्स देंगे। चलिए बिना देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना वैदिक कल्चर स्टार्ट करेंगे। देखिए, वैदिक कल्चर के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि वैदिक कल्चर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अपोजिट चल रहा है। वैदिक कल्चर एक सिविलाइजेशन ही, मतलब एक छोटी कम्युनिटी से स्टार्ट होगा ये। दूसरा, ये जब ये स्टार्ट होगा तो ये कल्चर की तरह होगा और ये विलेज कल्चर भी होगा, मतलब रूरल सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन नहीं है आपके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो होगा, एक छोटे छोटे ट्राइब्स होंगे जो किसके लिए लड़ रहे होंगे, काउस के लिए लड़ रहे होंगे। तो इस टाइम पे वेल्थ में आपके लिए कौन सामने रहेगा, काउस रहेगी, और काउस आपको ज्यादा हेल्प देती है, वो आपको ज्यादा इस टाइम पे वेल्थ का एक डिफाइन करती थी। तो आप काउस से स्टार्ट करते हैं, तो वैदिक कल्चर मेनली किस पे चलेगा, काउस पे, उसके बाद फोर वेदास पर। अगर आप फोर वेदास की बात करेंगे तो मैक्सिमम काम आपके लिए किसके लिए करेगा, फोर वेदास के लिए काम करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है फोर वेदास आपके लिए क्या कर रहे हैं। अब फोर वेदास को अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ये चार वेदास थे जिन पर ये चल रहा है। जब आप वैदिक एज की बात करते हैं, वैदिक एज किस पे रहता है बताइए, आप लोग नहीं पता किसी को, कोई बात नहीं, कमेंट में नहीं लिखते मत लिखिए। ऋग्वेदास पे, ऋग्वेदास जो है ये बेटा आपका चलेगा 1500 से लेकर अप्रोक्स 1600 या 1500 से लेकर 1000 BC तक। इसमें जो भी ट्रेड्स दिखेंगे वो आपके किसके होंगे, आपके वैदिक कल्चर के होंगे। इसके बाद की जो चीजें होंगी लेटर वैदिक की होंगी। आज के लेक्चर में हम वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर साथ में पढ़ेंगे। वैदिक कल्चर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चीजें आती हैं कि इनका ओरिजिन क्या था और इनकी आइडेंटिटी क्या थी। तो अगर ओरिजिन की बात करें तो जाहिर सी बात है आर्यंस ने इन्हें फैलाया था। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द वर्ड आर्यंस लिटरली मींस हाई बर्थ। तो एक हाई बर्थ के लोग थे, बाहर से आए थे, हमारी कंट्री के नहीं, हमारी कंट्री में अनार्य से पहले से रहते थे। इसके बाद जो वेद है, अब वेदों की बात करते हैं, उसमें मंत्र और श्लोक दोनों आते हैं और ये आपको क्या देते हैं, नॉलेज एंड कॉन्साइंस की बात करते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है हमेशा के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इनका होमलैंड क्या था, उस पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं ईस्टर्न अफगानिस्तान से आए थे, कुछ लोग कहते हैं मॉडर्न पाकिस्तान से आए थे, कुछ लोग कहते हैं पंजाब से आए थे, कुछ लोग कहते हैं वेस्टर्न यूपी से आए थे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ से आए थे कायदे से देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो ये आपके सेंट्रल एशिया से आए लोग थे, तो उसका एक एक्यूरेसी दी जाती है। दूसरा सिंपल सी चीज है, ये जो एरिया था सप्त सैंधव का, मतलब प्लेस ऑफ सेवन रिवर्स, सेवन रिवर के प्लेस में था, जिसमें आप रिवर्स की बात करें तो फाइव ट्रिब्यूटरीज थी, जिसमें विताशा, अस्किनी, विपासा, पुरुषनी और सूत्रोदी थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर थी सरस्वती, जो इनके साथ जुड़ती थी, और एक इंडस जुड़ती थी। तो ये फाइव रिवर प्लस टू हो जाता था तो सप्त सैंधव प्लेस बन जाता था, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको मैंने डेट बताई थी 1500 टू 1000 बीसी तक ये चलता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ईयर्स आपसे पूछे जाते एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए बेसिक रूप में। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सरस्वती को नदी रत्ना बोला गया, मतलब मेन रिवर जो है, सुपीरियर रिवर जो मानी जाती है, जो वर्शिपर थी, वो नदी रत्ना थी, उसे सरस्वती बोलते हैं। ओशन यहाँ पे मेंशन किया गया था, समुद्र वर्ल्ड मिलता है, पर समुद्र वर्ल्ड उस सी के लिए नहीं मिलता जो हम देखते थे। ये समुद्र वर्ल्ड हमें इसलिए मिलता है क्योंकि जहां पे एक्युमुलेशन ऑफ वाटर होता था इसको ये समुद्र बोल देते थे। स्नो रीजन जो होते थे इनको इन्होंने हिमवत बोला हुआ है, वो भी हमारे सामने है, उनको भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। डेजर्टेड लैंड की बात करेंगे तो धावा आता है, ठीक है, इसके बारे में भी आपसे चीजें बोली गई हैं पॉज पर। तो आपको हिमवत और डेजर्टेड लैंड को धावा बोलते थे, तो ये सब सैंधव रीजन है, इसके आइडिया हमें लग जाते हैं।
इसके बाद चीफ सोर्सेज जो आर्यन वैदिक लिटरेचर के, उसमें बेटा फोर वेदाज आते हैं, ब्राह्मणाज आते हैं, फोर वेदाज आपके सामने होंगे, ब्राह्मणाज होंगे, रन्नक्स होंगे, उपनिषद होंगे, इन सबको मिला के आपका वैदिक कल्चर बनता है। वैदिक लिटरेचर की अगर आप बात करेंगे तो इन्हें नित्या बोला जाता था, मतलब एटर्नल बोले जाते थे, दूसरा श्रुति था और तीसरा अपौरुषीय था। अपौरुषीय, अपौरुषीय का मतलब होता है वो जिसको इंसान नहीं लिखते, इनको लिखने का काम किसने किया? ब्रह्मा ने। तो ब्रह्मा ने क्या किया, इन्हें ब्राह्मणों को सुनाया और ब्राह्मणों ने अपने कानों में रखा, इसके बाद इन्होंने अपने दिमाग से दूसरे ब्राह्मणों को सुनाया, तो जनरेशन बाय जनरेशन ओरल चला, इसे कहीं लिखा नहीं जा सकता था, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य भी बोला जाता है, क्योंकि इसे कंपाइल नहीं किया गया, इसे सीधे याद किया जाता था। अगर आप कभी एंशियंट टाइम की कुछ सीरियल्स देखेंगे, जैसे श्री कृष्णा वगैरह आता था, तो उसमें जब आप देखेंगे कि लोग गुरु के समीप बैठते थे, इनके हाथ में कॉपी पेन नहीं होता था, ये लोग क्या करते थे, उस लेक्चर को सिर्फ सुनना चाहते थे, जब उसको ऑडियो को सुनते थे तो उससे उन्हें हेल्प मिलती थी, और उस ऑडियो से ही इनको चीजें याद करनी होती थी, ये लिख के नहीं याद कर सकते, क्योंकि उन्हें लिखना रिलीजन के अगेंस्ट माना जाता था, और ब्राह्मण इन्हें सुना सुना के याद कराते थे, तो सारे मंत्र वगैरह इन्हें कंठस्थ करने पड़ते थे और सीधे उनकी डिलीवरी देनी पड़ती थी, ये सारी चीजें डे वन से चलती रहती थी। अब वैदिक कल्चर में हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे भाई वैदिक कल्चर क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या बेसिक चीजें थी। तो आप समझिए चार वेदास थे हमारे पास और इसके चार उपवेदास थे। लास्ट टाइम पे जब आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें मैंने आपको वेदास याद कराने की कोशिश की थी, तो आइए पहले हम देख लेते हैं वेदास कितने हैं और क्या है, इनके ब्राह्मण्स भी देखते हैं। तो हम वेदास देखेंगे, ब्राह्मणास देखेंगे, अनुषद देखेंगे, अरण्यक देखेंगे, सूक्त देखेंगे, अध्येता देखेंगे और उपवेदास देखेंगे। तो देखिए ऋग्वेद जो है वो पहला वेद है, इसके ब्राह्मण ऐत्रेय एंड कौशतकी हैं, इसके उपनिषद भी ऐत्रेय एंड कौशतकी हैं, इसके अरण्यक भी ऐत्रेय एंड कौशतकी हैं, इसके सूक्त 1028 हैं टोटल। इसमें भी ध्यान रखिएगा 1028 हैं, बट इसमें 1017 जो है ये आपके मेन सूक्त हैं, और इसमें 11 बाल के लिए सूक्त जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन चीजें आपकी हैं, 1017 डेयल सूक्त हैं, 11 बाल के लिए सूक्त हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, उसको अपवेद आयुर्वेद है। इसके बाद बेटा यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद में तैत्रीय सतपद आते हैं, उपनिषद तैत्रीय केन्स, उसके बाद श्वेतांबर ईश और बृहदारण्यक आता है, इसके अरण्यक जो है तैत्रीय बृहदारण्यक और सतपद है, इसके सूक्त इसी के रिपीटेशन है तो उनको नहीं डाला गया, इसको जो बोलता है उसको अध्वर्यु बोलते हैं, और इसका उपवेद धनुर्वेद है। सामवेद पंचविश इसका ब्राह्मण है, छंदोग और केन जो है वो इसके उपनिषद हैं, जैमिनी और छंदोग इसके अरण्यक हैं, टोटल सूक्त 1810 हैं, उद्गाता इसे गाता है और गंधर्व वेदा इसका उपवेदा है। अथर्वेद में गोपद आते हैं, इसमें मुंडक मुंडके और प्रश्न हैं, 6000 इसके सूक्त हैं, ब्राह्मण इसको गाता है और शिल्प वेदा इसका वेद है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रजापति ने आयुर्वेद लिखा, धनुर्वेद विश्वामित्र ने लिखा, और गंधर्ववेद नारद ने लिखा, और शिल्पवेद विश्वकर्मा ने लिखा। तो ये बेसिक चीजें आपके सामने, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा यहीं से। अब क्वेश्चन आता है कि वेदास किसने लिखे और इनके उपवेदास कैसे, तो इनको याद करने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका, आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेदा कैसे याद करेंगे, सेजेस, सेजेस में हीलिंग पावर होती है, हीलिंग पावर से वो किसी चीज को हील कर सकते हैं, तो हीलिंग का मतलब होता है मेडिकेशन, मेडिकेशन के लिए एंशियंट में एक ही बुक थी जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा। इसके बाद सामवेदा, सामवेद फॉर सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग के लिए हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कौन से गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, गंधर्व, तो इसको लिखा गंधर्व वेदा ने। और इसके बाद अगला आ जाएगा यजुर्वेद, यजुर मतलब यज्ञ, यज्ञ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन रोल प्ले करता है बेटा, क्षत्रिय, क्षत्रिय कैसे करेगा, वॉर टैक्टिक्स से, वॉर टैक्टिक्स उस टाइम पे क्या चलती थी, धनुर्वेदा, तो धनुष से आ जाएगा आपका धनुर्वेदा। इसके बाद अथर्व, अथर्व मतलब अर्था, अर्था मतलब मनी एंड मॉनेटरी, मनी एंड मॉनेटरी के लिए उस टाइम पे कौन रोल प्ले करता था, मनी एंड मॉनेटरी के लिए उस टाइम पे रोल प्ले करता था आपका शिल्प, तो यहाँ पे आ जाएगा शिल्प वेदा, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ के चलनी है, ये अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। इसके बाद देखिए ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, सामवेदा जो है प्रेयर्स और उसको ट्यून करता है, सिंगिंग बताता है, तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट म्यूजिक की बुक आपकी मानी जा सकती है। यजुर्वेदा जो है रिचुअल्स बताता है जो हमें एकम्पनी करने हैं,
ठीक है। उसके बाद अथर्वेदा जो है ये चार्म स्पेल इन सबको देता है, मतलब जैसे जादू टोना मंत्रों से आप कैसे खुद का इलाज करेंगे, कैसे अपनी बीमारियां खत्म करेंगे, उसके बारे में सारी चीजें आपको बताता है। वेदास के बाद बेटा ब्राह्मण्स आते हैं। ब्राह्मण्स जो है वो एक रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला है, आइडियाज उसमें दिए गए हैं, रिलीजियस चीजें दी गई हैं, एक्सप्लेन किया गया उसे, और सोशल मीनिंग्स दी गई हैं कि रिचुअल्स की क्या सोशल मीनिंग होती है। अरण्यक जो है वो कंक्लूड किए जाते हैं, पोर्शन है ब्राह्मण्स का, ये कंसीडर किए जाते हैं सीक्रेट एंड डेंजरस है, तो इनको क्या होता है फॉरेस्ट में किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चैंटिंग मंत्र और स्पेल्स दिए जाते हैं तो वो नुकसान ना करे किसी को शहरों में, तो इसीलिए उसे गांव में पहुंचा दिया जाता था, उस गांव से फॉरेस्ट तो जंगलों में जाते थे। उपनिषद जो है वो कमेंट्रीज है, जो आपके वेदास है उनकी पूरी डिटेल ही आपको समझाता रहता है। ऋग्वेदा जो है वो आपका कंपाइल हुआ था, कहा जाता है 1500 से 1000 BC, इस पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं। इसके बाद जो आएगा वो आपका लेटर वैदिक पीरियड में आ जाएगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के फेज हैं अलग अलग, तो अगर आप उन फेजेस को समझोगे तो आपको क्या देखना है, ऋग्वेदा जो है वो आपका अर्ली वैदिक फेज है तो अर्ली वैदिक पीरियड में ये आता है, फिर लेटर वैदिक पीरियड में अगर आप देखेंगे तो बाकी जो तीन वेदास हैं ब्राह्मण्स हैं अरण्यक्स हैं उपनिषदास हैं ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है। और ये ईयर आपका थोड़ा अलग चलता है, ये आपका 1000 से 600 चलता है। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन जब आए तो जाहिर सी बात है लिंग्विस्टिक कैटेगरी थी, रेशियल वंश थे। याद रखिए यहां पर अभी वर्णा की बात नहीं करेंगे, वर्णा अभी भी कलर की तरह यूज होता है, तो अभी कास्टिज्म की कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ दो चीजें हैं आर्य अनार्य। इसके बाद इनकी लैंग्वेज बहुत अलग थी, कहा जाता है सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे, मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं हिंदी में, पितृ सत्तात्मक बोलते हैं। देखिए IVC में घोड़े को ये लोग नहीं जानते थे बट वैदिक कल्चर में हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इनके लिए। इसके बाद बेटा इसमें ओल्ड और न्यू चैप्टर्स की बात की जाती है, इसको आपको यहीं पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओल्ड और न्यू चैप्टर्स की बात करेंगे तो 2 से 7 जो है वो ओल्ड मंडलास है, 1, 8, 9, 10 जो है वो न्यू मंडलास में काउंट होता है। इसके बाद ऋग्वेदा में जो है वो अर्ली लाइफ आर्यंस की कंस्ट्रक्ट करता है, शूद्रास की प्रेजेंस आती है बट बहुत लास्ट में आती है तो कहा जाता है कास्टिज्म की बात नहीं करता। आर्या वर्ड जो है 36 बार आया है, श्लोक जो है वो 1028 है, 11 बालिखिल है जो आपको मैं पहले से बता चुका हूं इसमें। अब ये ध्यान रखिएगा फिर से मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे कास्टिज्म की जो बात आप कर रहे हैं, ये कास्टिज्म जो है ये आपका सबसे पहले जो हमें दिखता है ये दिखता है एंड में, और एंड में दिखता है पुरुषोक्ता में। पुरुषोक्ता जो है ये बेटा बनाया गया था, ये पुरुषोक्ता में क्या बताते हैं, जो माउथ से लिखते ब्राह्मण, जो आम से निकले क्षत्रिय, जो थाई से निकले वैश्य, और जो फीट से निकले शूद्र। तो ये कास्टिज्म का डिवीजन बाद में किया गया है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसी के बाद आपको बेसिक चीजें पता चलेंगी। इसके बाद जाहिर सी बात है थर्ड जो मंडल है उसमें गायत्री मंत्र दिया गया है, डेडिकेट किया गया सावित्री देवी को। 10th मंडल पुरुषोक्त कंटेंट करता है। अच्छा ये जो आपकी टेक्स्ट है ये अवेस्ता से मिलती है, अवेस्ता एक ईरानियन टेक्स्ट था, उससे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है ऋग्वेदा की, तो ये नहीं कहा जा सकता ऋग्वेदा हमारा ही है, इससे जैसे और भी पुराने वेदास है जो इससे सिमिलर है, तो अवेस्ता याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अर्ली इंस्क्रिप्शन जो हमें मिलता है जिसमें इंडियन गॉड्स मिलते हैं वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का मिलता है 2200 BC के आसपास का। इसके बाद आर्यंस जो इंडिया में अपेयर हुए वो हुए 1500 BC में, और इससे पहले जो ये स्टार्ट में आए रहते थे ईस्ट अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के कुछ कॉर्नर्स पे, बाकी ये कहीं नहीं रहे। उसके बाद एक अफगानिस्तान की रिवर है कुभा, जिसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है, इंडस और 5 रिवर्स। सिंध जो है या इंडस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, सरस्वती को नदी रत्ना बोला गया, सरस्वती आज की डेट में घग्गर हागरा से डिस्क्राइब की जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें यहाँ पर आपको दिखेंगी। इसके बाद मंडलास के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है, आप इससे चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके बहुत काम की चीज है ये। फर्स्ट मंडल किसने लिखा, ठीक है, सेकेंड मंडल के राइटर कौन है, थर्ड मंडल के, फोर्थ मंडल के, तो 10th मंडल तक आपको यहाँ पर चीजें दी गई हैं, आप इनके राइटर्स यहाँ से देख सकते हैं, या बिल्कुल मत भूलिएगा ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। इसके बाद रिवर्स की बात करें, आज की डेट में सिंध को इंडस बोलते हैं, वितास्ता को झेलम बोलते हैं, अस्किनी को चेनाब बोलते हैं, परुष्णी को रावी बोलते हैं, विपासा को ब्यास बोलते हैं, सतलुजी को सुतलज बोलते हैं, गोमती को गोमन बोलते हैं, कुरुम को कुर्रम बोलते हैं, घग्गर जो है वो आज घग्गर ही है, सुवस्तु स्वात है, कुभा, तो ये सारी रिवर्स आपके सामने दी गई हैं।
और नदी तारा या नदी रत्ना को सरस्वती बोलते हैं। ध्यान रखिए सरस्वती का नाम बहुत कम आया, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताऊंगा कितने वर्ड्स कहाँ पे है। ओरिजिनल आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से आप समझ लीजिए, हाई बर्थ की बात की जाती है, यहाँ पर चीजें बताने की कोशिश की जाती है। जब अर्ली लाइफ की बात करेंगे तो रिवर्स की बात करेंगे तो यमुना सरस्वती और गंगा की ने नॉलेज थी, इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद लिंग्विस्टिक कैटेगरी की आपके हमारी बात हो चुकी, टेंथ मंडलास की बात हो चुकी। अब आ जाइए ऋग्वेदा में, जाहिर सी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट था, एक आपका बैटल होगी, चैरियट ड्रिवेन थी, इस चक्कर में वो जीत गए थे, बैटल ऑफ टेन किंग्स। बैटल ऑफ टेन किंग्स में क्या हुआ था बेटा, दो सेजेस थे जिनमें लड़ाई हुई, एक वशिष्ठ थे और एक विश्वामित्र थे, इन दोनों में लड़ाई हुई। तो जो वशिष्ठ थे वो भरत क्लेन के रूलर को लेके बैठे सुदास, और उनके साथ इन्होंने बैटल की। तो सुदास जो थे वशिष्ठ के साथ थे, विश्वामित्र ने 5RA 5NRA का एक अलायंस बनाया और उसके साथ इनकी बैटल हुई, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया बैटल ऑफ टेन किंग। बैटल ऑफ टेन किंग जो है बेटा किस रिवर के किनारे हुई थी, ये हुई थी परुशनी रिवर के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये अलायंसेस आपकी यहाँ पर मैंने दे रखी है, कुछ इस तरीके की मूवी भी इस पे बन चुकी है, 10 राजन्या पे साउथ इंडियन मूवी है, तो उसमें आप बैटल ऑफ टेन किंग्स देख सकते हैं, दोनों सेजेस के लड़ाई को भी क्लियरली देख सकते हैं, कुछ टेम्पल्स हैं जिसमें इनके बारे में डिटेल्स दी गई हैं, तो आप इसे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है हमारे रिलीजन में। भरत क्लेन के रूलर सुदास थे, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमें दिखता है। मैरिटल लाइफ की बात करेंगे तो स्पोक व्हील इनको पता था, तो व्हील का अगर आइडिया था तो जाहिर सी बात है आप कुम्हार वाला काम कर सकते हैं, मतलब आप मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, तो इनके पेंटेड ग्रेवियर या क्ले पॉट्स इनके बहुत सारे मिलते हैं। प्रोक्शेयर मतलब जो हल होता है, इसके बारे में प्रॉपर्टी पता था, इसको वो यूज करते थे। काऊ जो था वो मोड ऑफ एक्सचेंज था, ध्यान रखिए इस टाइम पे सुपीरियर जो थी वो काऊ थी, वेल्थ के लिए काऊ को यूज किया जाता था और किसी चीज को यूज नहीं किया जाता था, तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा। सारी जो लड़ाई थी वो किसके लिए होती थी, काउ के लिए होती थी, इसीलिए एक वर्ड यूज किया गया गविष्टी, गविष्टी मतलब होता है इन द सर्च ऑफ काउस। इसके बाद फ्यू वर्ड्स यहाँ ड्राइव हुए हैं, अथर्वेदा में जो कहा गया है वेल्दी पर्सन को गोमत, गाय बेटी जो होती थी जिसे दुहित्री, गेस्ट को गोहना, और गोत्र जो हमारे क्लेन है उनके बारे में बात की गई है। काउ को बेटा अगन्या बोला जा सकता है, इसे कोई मार नहीं सकता था। यहाँ पर मेंशन है आर्यास का, है ना, आर्यंस जो हैं उनको कॉपर और ब्रॉन्ज का आइडिया था, पर कोई भी अभी एविडेंस आयरन का, आयरन का नहीं मिला, आयरन थोड़ी बाद में आएगा, पर आयरन का यूज इन्होंने किया है, इसको डिनाई हम नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो ट्राइबल पॉलिटी है इसमें राजा था, राजन वर्ड जो है बेटा ये वर्ड यूज किया गया है हेड के लिए, बट इसको जो टैक्स दिया जाता था वो अभी मैंडेटरी नहीं था, बल्कि अपनी स्वेच्छा से दिया जाता था। इसके बाद समिति ने इलेक्ट करती थी, अल्टीमेट पावर से बिल्कुल नहीं डिफाइन करते थे, सभा समिति विधाता और गणा, ये चार चीजें थी जो इस टाइम पे असेंबलीज थी जो मेंशन की जाती है। वुमेन सभा और विधाता अटेंड करती थी, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है सभा और समिति कौन अटेंड करता था, तो सभा और समिति जो है, सभा समिति और इन सब में से सभा और विधाता जो फीमेल अटेंड करती थी, बाकी जगह फीमेल्स नहीं जा सकती थी, इंपॉर्टेंट होती थी सभा और समिति। देखिए सभा में फीमेल जा रही, समिति में नहीं जा रही, बट अटेंड सभा और विधाता ही कर सकती थी। इंपॉर्टेंट जो होता था राजा को असिस्ट करने के लिए पुरोहित होता था, वशिष्ठ और विश्वामित्र इंपॉर्टेंट पुरोहित ही रहे। गायत्री मंत्र आपको पता है थर्ड मंडल में है, सेनानी अगला इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, टैक्सेशन कलेक्ट होता था, कोई ऑफिसर नहीं था, ना कोई जस्टिस इसके लिए थी। इसके बाद प्रजापति को पाश्चल लैंड बोला जाता है, कुलापा हेड ऑफ द फैमिली होता है, और ग्रामीणी होते हैं जो आपके फैमिली को संभालते हैं और गांव को देखते थे। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें यहाँ पे देखनी होती थी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, वॉर में जो चीजें आती थी ट्राइबल ग्रुप्स थे वो इनको कलेक्ट करते थे, और इनका इंपॉर्टेंस जो एलिमेंट है वो मिलिट्री थी, और वंडरिंग लाइफ थी, कोई टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि जहां पे रहते थे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, रिवर अच्छी है तो रहते थे, उसके बाद आगे बढ़ जाते थे। ट्राइब एंड फैमिली में थी, किंग को डिफाइन किया गया था, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई क्लेन से उसे किया जाता था। प्राइम रॉयल्टी जो थी ट्राइब और जना की थी, जना वर्ड जो है 275 टाइम आया है, विश जो है ट्राइब का मेंशन किया गया 170 टाइम्स, कुला जो है वो फैमिली के लिए यूज किया जाता है, और ग्रह इसके बाद यूज किया गया है।
ज्वाइंट फैमिली थी, पैट्रियार्कल फैमिली थी, हेड ऑफ द फैमिली जो होता था उसे कुलपति बोला जाता था, फीमेल्स असेंबली अटेंड कर सकती थी, ठीक है। इसके बाद फाइव इंपॉर्टेंट वुमेन्स आपकी दिखी हैं, जिसमें लोकमुद्रा, अपाला, साची, घोषा, पॉलोमी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट और भी बहुत चीजें हैं, पर मैरिज की एज जैसे आप देखेंगे 16 टू 17 ईयर्स थी, बाल विवाह नहीं होता था, बहुत इंपॉर्टेंट थी। सोशल डिवीजन की बात करेंगे तो इस टाइम पे सोशल डिवीजन जो है कुछ ऐसा नहीं था जैसा मैं दिखता था। यहाँ पर वर्णा जो था आर्य और दास वर्णा, दो ही वर्ण आपको दिखते हैं, उससे ज्यादा वर्णा यहाँ पे नहीं दिखते। तीन ग्रुप थे, वॉरियर, प्रीस्ट और पीपल। पुरुष उक्त आपको मैंने बता ही दिया, स्लेव्स यहाँ पर दिखते नहीं थे। डिफरेंट बेस ऑफ ऑक्यूपेशन था जो लोग चूज कर सकते थे, जैसे एक आपको श्लोक मिलता है जिसमें सीधे लिखा है कि मेरी माता ग्राइंडर है, फादर वैद है और मैं पोएट हूँ। उसके बाद भी वो सेम घर पे रहते थे। तो कास्टिज्म जो है वर्क से डिफाइन होता था, बर्थ से डिफाइन नहीं होता था, ये चीजें आपको याद रखनी है। ऋग्वेद में गॉड में अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो इंद्र है, इंद्र के बाद आपका सोम है, सोम के लिए पूरा नाइन्थ मंडल दिया गया है सोमरस के लिए। इसके बाद इंद्र को पुरंदर बोला गया है, ब्रेकर ऑफ फोर, 250 हाइम्स इसके लिए है। इसके बाद अग्नि इंपॉर्टेंट है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड है। फिर वरुण हो गया, सोम हो गया, मारुत हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में बात करेंगे तो आदिति और ईशा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अभी सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स की बात हम नहीं करते, मतलब अभी यज्ञ हवन कुंड ये नहीं चलते, अभी सिर्फ वर्शिप का रोल चलता था। इसके बाद तीन आपसे एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है, सेलेस्टियल गॉड कौन से थे, स्पेस के गॉड कौन से थे, अर्थियल गॉड कौन से थे। सेलेस्टियल गॉड की बात करेंगे, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता। तो ये चीजें आप बेटा यहीं से याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, तो आप इसे यहाँ से डिनाई नहीं कर सकते। तो पहले आप सेलेस्टियल गॉड्स पढ़ लेंगे तो यहाँ से पता चल जाएंगे। स्पेस के गॉड में जो थे इंद्र, रुद्र, मरुत और प्राजन्य थे, और अर्थियल गॉड में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती आती थी। अर्थ का गॉड मतलब जो अर्थ पे है, स्पेस के गॉड स्पेस में, सेलेस्टियल मतलब स्काई के गॉड। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद देखिये जो आपने मैंने बोला वर्ड, सबसे ज्यादा इंद्र यूज हुआ है, उसके बाद अग्नि, फिर वरुण, अच्छा सबसे कम टाइम पे यूज हुई है पृथ्वी, विष, शूद्र, रिवर गैंजेस का भी जिक्र एक बार आया, राजा का भी जिक्र एक बार आया, यमुना रिवर का भी जिक्र एक बार आया। तो इन रिवर्स की भी बात बहुत की गई है। इसके बाद देखिए इनका एसोसिएशन फील्ड लिखिए, इंद्र जो है ब्रेकर ऑफ फोर्थ थे, पुरंदर बोला गया है, अग्नि जो है फायर गॉड है, वरुण वाटर गॉड है, सूर्य सेवन हॉर्सेस से ड्रिवेन एक गॉड है जो लाइट्स के गॉड माने जाते हैं, उसके बाद सावित्री गॉड ऑफ लाइट है, तो गायत्री मंत्र को दिया गया, मित्र सोलर गॉड है, पूषण जो है गॉड ऑफ मैरिज माने जाते हैं और गॉड के गार्ड माने जाते हैं। इसके बाद विष्णु जो अर्थ में आते हैं, उपकर्मा इन्हीं के बाद होता है, थ्री स्टेप्स होते हैं अर्थ के। रुद्र जो है वो एनिमल्स के गॉड माने जाते हैं, दस्युज जो है ये एल्डेस्ट गॉड है, फादर ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। अश्वनी जो है हेल्थ के डॉक्टर्स माने जाते हैं। इसके बाद सिंधु जो है रिवर गॉडेस मानी जाती है। यमा डेथ के गॉड माने जाते हैं। मारुत पर्सोनिफिकेशन है ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो इतने गॉड्स थे जो इस टाइम पे आपको देखे जाते हैं। इसके बाद मैरिजेस बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो आपकी इसमें ब्रह्म, देव, आश, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच। तो जो बेटा इसमें गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच है, ये सोशली एक्सेप्टेड मैरिजेस नहीं है। ध्यान रखिएगा जो नीचे की चार है वो सोशली एक्सेप्टेड मैरिजेस नहीं है, ऊपर की सोशली एक्सेप्टेड है, ये आपके सोशली एक्सेप्टेड नहीं है। प्रजापति, ब्रह्म, देव और आर्ष जो है सोशली एक्सेप्टेड मैरिज है। दो तरीके की मैरिज और होती थी, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब क्या होता है, अनुलोम में मतलब हायर कास्ट की लड़की लड़का होगा, लोअर कास्ट का लड़का लड़की होगी। फिर से समझिए, हायर कास्ट का लड़का, लोअर कास्ट की लड़की, मतलब लड़का ब्राह्मण और लड़की क्षत्रिय। बट प्रतिलोम में उल्टा हो जाएगा, लड़की छत्र ब्राह्मण हो सकती है, लड़का क्षत्रिय हो सकता है, जैसे किसी सेजस की लड़की से किंग शादी कर ले। और पहले तरीके की मैरिज में क्या होगा, कोई सेज किसी किंग की लड़की से शादी कर ले। तो बहुत रिचुअल नॉर्मल थे। इसके बाद तीन इंपॉर्टेंट रिचुअल, राजसू, अश्वमेध और वाजपेय आपको दिखते हैं, इनको आपको यहां से देखना है। ये बेसिक है आपका जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद लेटर वैदिक स्टार्ट हो जाता है, लेटर वैदिक फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बुक्स जितने टेक्स्ट हैं इसी में आते हैं। उपनिषद और ब्राह्मण यहाँ पे थ्योरीज में आ जाता है। इस टाइम पे लोग स्प्रेड हो गए थे कौशला ईस्टर्न यूपी, विदाशा और नॉर्दर्न बिहार में।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चीजें बदल गई, एग्रीकल्चर के मींस बदल, लाइवलीहुड बदल गई, परमानेंट सेटलमेंट पे आ गए। 17 ब्राह्मण ने लेंथ और ब्रेथ बताई है, तो मतलब ज्योमेट्री की अर्ली बुक यही है जो आपको बताती है। वीट इंपॉर्टेंट चीफ क्रॉप हो गए, गोधनाओं से बोला जाने लगा। मेटल जो पहला यूज किया कॉपर था, इसके बाद आयरन के भी ट्रेसेस यहाँ पे मिलेंगे। शहर बसने लगे, हस्तिनापुर कौशाम्बी जैसे बड़े बड़े शहर बस गए यहाँ पर। इसके बाद आपको बताया था थ्री रिचुअल जो है वो यहीं पर स्टार्ट हुए। अब टैक्स जबरदस्ती लिया जाने लगा, जिसे बाली बोला जाने लगा। किंग के पावर्स बढ़ गए और इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। वुमेन्स अब क्या सभा में भी पार्ट नहीं लेंगी। टैक्सेस स्टार्ट करने के लिए संगीत्री ऑफिसर आ गए। सोशल वर्क में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आ गए। ब्राह्मण इंपॉर्टेंट हो गया। 15 प्रीस्टली क्लासेस आ गई और इसके साथ जो ट्रिब्यूट थी वो सब अब स्टार्ट हो गई। प्रेयर्स जो लेटर वैदिक पीरियड में तब यहाँ पे बड़े बड़े सैक्रीफाइसेस ने इनका प्लेस ले लिया। एनिमल सैक्रीफाइसेस होने लगे। इसके बाद 12 रत्निन बहुत इंपॉर्टेंस बेटा इनके लिए रखते थे, तो उनके बारे में बात करनी है। 12 रत्निन जो थे ये राजाभिषेक के टाइम से थे, जो किंग के 12 रत्निन होते थे। ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। वृहदत्त उपनिषद बताता है कि गार्गी जो थी वो कैसे इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो कुछ अभी भी स्कॉलर लेडीज पाई जाती थी। इसके बाद 16 संस्कार होते हैं, यह आपको बेटा यहीं से याद रखना है, इनको आप कभी भी भूलिएगा। पहला आपका इसमें बेटा गर्भधान है, ठीक है। उसके बाद पुष्वाना है, फिर सीमांतोयन है, जात कर्म है, नाम कर्म है, निष्कर्म है, अन्नप्राशन है, चूड़ा कर्म है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो भी आपकी चीजें चल रही हैं, इनमें जब आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा। उपनयन संस्कार जो है ये बेटा 3 क्लास के लिए अलाउड था। शूद्रास नहीं जाते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाते थे। ब्राह्मण 7 साल में, क्षत्रिय 9 साल में, और जो वैश्य वो 11 साल में। ध्यान रखिएगा 7, 9, 11, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। 16 संस्कार में लास्ट अंत्येष्टि होता है, पहला गर्भधारण होता है। तो ये 16 संस्कार हमारे लिए दिए गए थे, इनको आपको यहाँ से देखना है। इसके बाद देखिए वैदिक एज के जो वर्ड्स हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, तो इनको आप यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद रिचुअल एंड फिलोसफी में बात करेंगे। इंद्र और अग्नि ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। प्रजापति ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने सुप्रीम पोजिशन ले ली। माइनर गॉड्स जैसे रुद्रा थे वो इंपॉर्टेंट बन गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होने लगेगा। अब समझिए यहाँ पर आपके जो 3 गॉड्स हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपके सामने आ जाएंगे और अब रिचुअल्स यहाँ से बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस करने वाले को यजमान बोला गया, जो आज भी बोला जाता है, आपको चीजें पता होंगी। देखिए वैदिक कल्चर में इंपॉर्टेंस जितना रखता है उतना तो मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा चीजें आपके काम की है नहीं। बट अगर आप तब भी पढ़ना चाहते हैं तो एक बार कोशिश करिएगा, चीजें इनसे देखिए, स्लाइड्स आप याद कर लीजिएगा। आप इसमें 1-2 काम और कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप चाहें तो आर एस शर्मा उठा सकते हैं, उससे एक बार इन चीजों को देख सकते हैं। ओल्ड टेक्स एनसीईआरटी को भी उठा सकते हैं, उससे देख सकते हैं। देखिए अभी इससे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं चीजें आपको अगली स्लाइड्स में डालवा दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वैदिक एज था वहां पर फीमेल की कंडीशन अच्छी थी, पर लेटर वैदिक एज आते आते फीमेल की कंडीशन थोड़ी डिक्लाइन हो गई, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े डिक्लाइन फेज में थी। तो आप अगर देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो वुमेन की कंडीशन वैदिक एज में ज्यादा अच्छी होगी, लेटर वैदिक एज में खराब होती चली जाएगी। तो वैदिक एज इतना ही है बेटा, इतना पढ़ें समझें। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम उसको जरूर देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। बाय बाय।